हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल कैमरा। और मैं मिलन दत्ता आज एक नया लेंस लेकर आया हूं आपके पास अनबॉक्सिंग करने के लिए। वो है RFS 18-150 लेंस, जो नया लॉन्च किया है कैनन ने। और ये लेंस का एक स्पेशलिटी है, वो आपका 18 से 150 तक आपको ये जूम मिलेगा। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इस लेंस का साइज़, डिज़ाइन, और इसको कैमरा भी लगा के देखेंगे। तो लेंस को अनबॉक्स करने से पहले ही यहाँ पर सामने आ जाता है यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड और इसके अंदर ये लेंस। तो लेंस का जो साइज़ है आप देख पाओगे कि कितना छोटा लेंस है, और इसका जो रेंज है 18 से 150 तक। तो इतना कॉम्पैक्ट में इतना आपको रेंज मिल रहा है। जो लोग एक कैमरा ख़रीद रहे हो और चाहते हो कि नहीं, मुझे एक ही लेंस चाहिए जिसमें मेरा वाइड एंगल और जूम कवर करे, तो उनके लिए बहुत ही ख़ास लेंस है, क्योंकि इतना कॉम्पैक्ट लेंस आपके पॉकेट में भी आ सकता है, एक बैग में भी आ सकता है, आराम से आप इसको कैरी भी कर सकते हो। तो लेंस का जो माउंट है 55mm माउंट साइज़ है, और लेंस का जो बैक साइड है फाइबर से दिया हुआ है, मतलब प्लास्टिक का है। और जो RF का हम लोग को पता है कि 12 पिन कम्युनिकेशन होता है, ये 12 पिन कम्युनिकेशन वाला ही लेंस है, तो इसमें पिन कोई भी कम नहीं है। ये सिर्फ RFS, मतलब जो क्रॉप बॉडी निकला है मार्केट में कैनन का, R10, R7, R50, ये सारा कैमरा में आप इसको अटैच कर सकते हो, और इसको आप डायरेक्टली फुल फ्रेम में भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप फुल फ्रेम में इस्तेमाल करते हो तो ये आपका 1.66 क्रॉप फैक्टर में काम करेगा। तो ये भी बहुत अच्छा चीज़ है कि अगर आप फुल फ्रेम में इस्तेमाल करते हो तो इसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है, क्योंकि 1.66 क्रॉप फैक्टर है। तो यहाँ पर डेडिकेटली ये जूम, अगर जूम भी करते हैं तो इतना साइज़ है इस लेंस का। और यहाँ पर फोकसिंग और कंट्रोलिंग एक ही साथ आपको मिलेगा। अगर आपको फोकस करना है तो आप कैमरा के मेनू सेटिंग्स में जाके वहाँ पर फोकस सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको वहाँ पर आपको कंट्रोल में मतलब इस्तेमाल करना है इस रिंग को, तो आप इसमें कंट्रोल रिंग सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसको कैमरा में अटैच करते हैं और इसको देखते हैं क्या। तो नॉर्मली कैनन का जो 18-150 जो लेंस है और 55-210, दोनों लेंस का साइज़ ऑलमोस्ट एक ही है। तो मैंने ये 8-10 में मैं इसको अटैच कर रहा हूँ, और 8-10 में अटैच करने के बाद इसका जो साइज़ है बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही बैलेंसिंग है। इस लेंस का जो अपर्चर है, अगर आप 18 में रखते हो तो आपको 3.5, और 150 में रखते हो तो आपको 6.3 इसमें अपर्चर आपको मिलेगा। और इसमें आपको मैक्रो भी थोड़ा मिलेगा, इसमें आपको मैक्रो आता है 0.59x तक, इसमें मैक्रो भी मिलेगा। तो एक वर्सेटाइल लेंस जिसमें आपको वाइड मिल रहा है, टेली मिल रहा है, और मैक्रो भी मिल रहा है इसके साथ। ये लेंस क्रॉप बॉडी में अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ, मतलब APS-C सेंसर में अगर इस्तेमाल करता हूँ, तो इसका फोकल लेंथ बन जाता है, मतलब 18 बन जाता है 29mm, और 150 बन जाता है 240, मतलब 240mm ये बन जाता है। तो बहुत ही एक बिगिनर्स के लिए या कोई शौक है फोटोग्राफी के लिए घूमने जाने में, उनको एक अच्छा कॉम्पैक्ट लेंस और कॉम्पैक्ट बॉडी चाहिए, तो ये लेंस बहुत ही अच्छा है उनके लिए। और इस लेंस का और भी खासियत है, इसमें आपको जो इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, जैसे 7 स्टॉप तक इसमें इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता है। और ये लेंस DLO भी सपोर्ट करता है, मतलब कैनन का जो डिजिटल लेंस ऑप्टिमाइज़र है वो भी सपोर्ट करता है इस ये लेंस। तो ये लेंस ओवरऑल बहुत ही बढ़िया है, और इसका जो प्राइस है 45,995 इसका MRP है। तो एक 45,000 में आपको एक 18-150 तक ये लेंस में आपको जूम मिल जाता है। तो एक ही लेंस में आप सारा काम कर सकते हो। जिनको जो लोग फर्स्ट कैमरा ले रहे हो उनके साथ ये लेंस आप ज़रूर आप ले सकते हो, क्योंकि आपको अलग अलग दो लेंस कैरी नहीं करना होगा, और आपको बार बार ये चेंज भी करना नहीं पड़ेगा। ये लेंस आता है आपका STM में, और डुअल फंक्शन रिंग कंट्रोल के साथ आता है। तो ये लेंस बहुत ही अच्छा चॉइस है, जिनको बार बार लेंस चेंज करना नहीं होता है, एक ही लेंस चाहिए वाइड से टेली, तो उनके लिए ये आइडियल है हर तरह का फोटोग्राफी के लिए। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक और कमेंट्स कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी के लिए थैंक यू।